विधान परिषद के रिजल्ट आए हैं, आपको उसमें 36 सीट इस बारे में क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे सभी का विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जिस प्रकार से इस विज़न को यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मसात किया है, उसी का परिणाम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी प्रचंड बहुमत में सीटें आई हैं। 36 में से 33 सीटें आई हैं, 3 निर्दलीय हैं। तो मैं सभी जो नवनिर्वाचित MLC हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत शुभकामनाएं। जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भगवा कपड़े में अपराधी ढूंढते हैं, आज ही किया है। मैं इस बात पे मैं यही कहूँगी कि भगवा हमारे देश का और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। पूरा संत समाज भगवे में है और भगवा वस्त्र धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का मन करे। तो मैं समझती हूँ कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना ये बात उचित नहीं है, पर उन्होंने ये बात क्यों कही ये इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। भगवा के विषय में जितना मेरा ज्ञान है मुझे पता है कि वो सही है और साधुओं का, सन्यासियों का, यतियों का, मुनियों का ये आज से नहीं पुरातन काल से यही वस्त्र है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राज ठाकरे जी अजान के ऊपर मतलब लाउड स्पीकर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे जी इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं ये समझती हूँ कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे इस चैत्र के नवरात्र का प्रोग्राम करवाए, जगह जगह पे जो जुलूस हुए, सार्वजनिक रूप से रामनवमी के दिन जो है सनातन परंपरा और संस्कृति से जुड़े लोगों ने जुलूस निकाले और सौहार्दपूर्वक जो है रमज़ान भी चल रहा है क्योंकि रमज़ान का महीना भी है, तो ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। और मैं समझती हूँ कि ये बयान उन्होंने क्यों कहा, अलगाववाद करने के लिए क्या कहा या उनके मन में जो भी बात आई होगी ये बात पे वही टिप्पणी।